नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। आपको बता दें कि आज के हमारे कृषि गतिविधि खंड में हम बात करने वाले हैं बर्ड फ्लू के बारे में। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बर्ड फ्लू इस वक्त हमारे देश में एक बहुत ही ज्वलंत विषय जो है वो बना हुआ है। बर्ड फ्लू जब भी फैलता है, हमारे मुर्गी पालकों को काफ़ी नुकसान जो है वो इसके तहत झेलना पड़ता है। मुर्गियों का जो हमारा प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है और बाजार में इनकी मांग कम हो जाती है, जिसके कारणवश हमारे मुर्गी पालकों को काफी नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। तो हमारे आज के कार्यक्रम के इस विषय में हम आपको यही बताएंगे किस तरह की सावधानियां आपने अपने मुर्गी बाड़े में जो है वो बरतनी है और किस तरह से जो हमारे मांस के, अंडे के और मुर्गी के जो उपभोक्ता हैं वो कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें ध्यान में रखकर इनका जो है वो सेवन कर सकते हैं। तो आइए आपको कार्यक्रम में इसी के संबंध में दे कुछ विशेष जानकारियां। डॉक्टर यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। जी डॉक्टर यादव, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये बर्ड फ्लू होता क्या है और ये किस तरीके से जो है वो फैलता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मुर्गी पालकों को कि बर्ड फ्लू, जिसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा रोग के नाम से भी जानते हैं, यह एक मुर्गियों में होने वाला एक बहुत ही घातक रोग है जी। और इसमें ये देखा गया है कि इसके, इस रोग के जो कारक हैं जिनसे ये फैलता है, इसके विभिन्न उपप्रकार हैं। वो इन उपप्रकारों में से H5N1 सबसे ज्यादा घातक है। अन्य उपकार भी मुर्गियों में बीमारी पैदा कर सकते हैं और मुख्य बात यह है कि यह एक विषाणुजनित बीमारी है, यानी कि वायरल डिजीज है और यह बीमारी मुर्गियों में बहुत तेज गति से फैल सकती है। और इसमें यह देखा गया कि इस बीमारी को हम जूनोटिक डिजीज भी बोलते हैं, जिसमें यह इंसानों में भी बीमारी पैदा कर सकती है। और इस बीमारी का जो मुख्य फैलने का कारण यह है कि जब यह पक्षियों में या मुर्गियों में जब इसका प्रकोप हो जाता है तो ये संक्रमित जो मुर्गी हो जाती इस रोग से, उससे जो स्वस्थ मुर्गी है उनमें इसका फैलाव मुख्य कारण है कि ये उनके मल त्याग से हो सकता है या उनके जो आंख और नाक से जो स्राव निकलता है, पानी निकलता है, उससे भी दूसरे पक्षियों को जो उनके साथ रहते हैं उनमें हो सकता है। साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि पक्षी के, उनके जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जो स्वस्थ पक्षी है, जो बीमार पक्षी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में भी जो पक्षी आ जाते हैं, उनसे भी ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में फैल सकती है। और साथ में यह भी बताना चाहूंगा कि ये बीमारी अगर जो पक्षियों के साथ काम करने वाले इंसान हैं, उनमें भी इस बीमारी का प्रकोप हो सकता है, इसलिए इसको हम जूनोटिक डिजीज के रूप में इसमें जाना जाता है। डॉक्टर यादव, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? कैसे पता चलता है कि हमारी जो मुर्गी है उसको बर्ड फ्लू हुआ है, या फिर अगर कोई इंसान इस तरीके के कांटेक्ट में आ जाए तो कैसे पता चलेगा हमारे अंदर भी कि इसके लक्षण क्या हैं? हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि मुर्गी में ये इस बीमारी का प्रकोप हो गया है तो मुर्गी में कुछ एक लक्षण है जो हमें इस बीमारी के बारे में पुष्टि करने के लिए सहायक होते हैं। जैसे कि अगर ये बीमारी मुर्गी में लग गई है तो मुर्गी के अंदर खांसने की आएगी शिकायत, छींकने की आएगी, उसके साथ उनके सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ होगी, सांस के साथ साथ उनके मुंह पर सूजन दिखाई देगी और साथ में मुंह के ऊपर नीलापन भी आ जाएगा। और साथ में मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जो ग्रसित मुर्गियां हैं उनमें दस्त लग जाते हैं पानी जैसे। और साथ में ये भी देखा गया है कि मुर्गियों की जो कलकी होती है और उसके साथ वटल्स, उनके अंदर एक प्रकार से नीलापन आ जाता है और उनमें सूजन भी आ जाती है। साथ में एक इम्पोर्टेंट इसमें सिम्टम है मुर्गियों में कि जो इनके पैर होते हैं मुर्गियों के, उसमें नीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जी। और सबसे मुख्य बात यह है कि मुर्गियों में बहुत तेज गति से मृत्यु दर होने लगती है, जो कि अन्य बीमारियों की बजाय इसमें ज्यादा तेज गति से होती है। ये बात तो हो गई है मुर्गियों में
इस बीमारी के लक्षण की। इसी जी प्रकार से ये मनुष्यों में भी बीमारी जब पैदा करती है इस रोग से, तो जो इंसान है उनके अंदर इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं, जिसके अंदर एक प्रकार से नाक से पानी आना, सिर दर्द होना, बुखार होना, जी और उसके साथ साथ आंत में भी एक प्रकार से जलन होना, और मांसपेशियों में भी इससे एक प्रकार से दर्द होने लगता है। ये मुख्य लक्षण है इंसान में। तो काफी अच्छी जी इस प्रकार से मुर्गी पालक खास करके अपनी मुर्गियों में अगर इस टाइप के लक्षण दिखाई दें, तो उनको तुरंत ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसी बीमारी तो नहीं है कि हम इसको एवियन इन्फ्लुएंजा ही है, और इसको तुरंत एक प्रकार से सूचित करें। जो एजेंसी है, जो जिला पशु चिकित्सा अधिकारी है, उसको इसके बारे में बताएं कि मेरे मुर्गी फार्म में ऐसे ऐसे मुर्गियों के अंदर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और जी मृत्यु दर भी बहुत तेज हो रही है। ऐसे में अपने को टाइम रहते ही एक्शन लेना पड़ता है। तो डॉक्टर यादव, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं आपसे जानना चाहूंगी वैक्सीनेशन के बारे में। इसकी क्या किसी तरीके के कोई टीकाकरण जो है वो मुर्गियों में लगाया जा सकता है, अगर पता चल जाए कि जो मुर्गियां हैं उनको बर्ड फ्लू है? जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि अपने देश में भारत सरकार के नियम कायदे कानून के अनुसार अभी इसका टीकाकरण अपने देश में इसको सही नहीं माना गया है, और अभी तक इस बीमारी का टीकाकरण अपने देश में नहीं हो रहा है। इसके कुछ कारण की वजह से अभी ये टीकाकरण अपने देश में अभी अलाउ नहीं किया गया है, जी और इसका बस मेन तो यही है कि हम इससे एक प्रकार से मुर्गियों को बचाएं कैसे। जी इसी बात के ऊपर इसके मुख्य बचाव का एक साधन बचा हुआ है अपने पास, और उसी पर जोर देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही सहायक हो सकते हैं कि जी हम तो क्या उनको बचाव है इसका? बचने कैसे। जी, ये सुझाव है जैसे कि मुर्गी पालक अपनी मुर्गियों को बर्ड फ्लू जैसी बीमारी उनके फार्म में न आने पाए, इन सुझावों पे ही ज्यादा केंद्रित करना चाहिए, ताकि अपनी ऐसी नौबत न आए कि ये बीमारी आ गई है और उसमें बहुत ज्यादा मुर्गी पालकों को हानि उठानी पड़े। तो इसमें चाहिए क्या कि मुर्गी पालक अपनी मुर्गियों को अपने मुर्गी फार्म पे सबसे पहला है कि जो गेट बना हुआ है उस पे एक फुट डिप का मतलब है कि वहां पर एक पानी का छोटा सा वो बनाए, जिसमें जब कोई भी व्हीकल उससे गुजरेगा या कोई व्यक्ति उसमें से गुजरेगा, तो उसमें हम कुछ दवाइयां डालते हैं एंटी माइक्रोबियल एंटी वायरल बीमारी को बताने के लिए। तो वो उसमें अगर डालेंगे तो वो जो पैर उसमें टिक करके जाएंगे, तो जिससे कि बीमारी अंदर फार्म में न जाने पाए। जी दूसरा, प्रवासी पक्षियों की वजह से अपने देश में बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो इसमें अपने को चाहिए कि दाने के बर्तन हैं जो फार्म के बाहर रखे हुए हैं उनको अच्छी तरह ढककर रखें, या पानी के बर्तन हैं जिसमें किसी तरह भी कोई कौवा या कोई अन्य पक्षी उसके संपर्क में नहीं आने पाए। तीसरी बात यह है कि जो काम करने वाले व्यक्ति हैं फार्म में उनकी हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। उसमें यह पाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब बाहर से आ रहा है फार्म के अंदर, तो पहले तो जो फार्म में फुट डीप गेट बना हुआ है उसमें अपने पैरों को उसमें टच करके अंदर ही फार्म में आए। उसके साथ जो फार्म में बने हुए कपड़े हैं वो फार्म के अंदर पहने, और जो पहनकर बाहर से आए उनको उतार दें। और इसी प्रकार अपने फार्म में काम करने के लिए एक प्रकार से शू कवर का इस्तेमाल करें या गम बूट का इस्तेमाल करें, ताकि वो एक प्रकार से संक्रमण फार्म में नहीं फैला न पाए। उसके साथ जो वर्कर्स हैं वो अपने फार्म में काम करने से पूर्व में अपने हाथों को साबुन से अच्छी प्रकार से धो लें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कोई भी विषाणु है, खास करके बर्ड फ्लू जैसा विषाणु या कोई अन्य बीमारी का विषाणु जी मुर्गी फार्म में नहीं जाने पाए। साथ में जो दाने के बर्तन हैं और पानी के बर्तन हैं उनके भी हाइजीन का विशेष ध्यान देना जरूरी है, और साथ में ये भी जरूरी है कि जो फार्म है उसके आसपास की जो जगह है उसको स्वच्छ बनाए रखें, और उसमें किसी प्रकार का जो दाना है वो बाहर में दिखाई दे, क्योंकि इससे प्रवासी पक्षी उस दाना को खाने के लिए फार्म के पास आएंगे और उससे बीमारी फैला सकते हैं। जी एक बात। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई ऐसी बीमारी आए तो उसमें ये हमें चाहिए कि कोई भी वर्कर उसमें काम कर रहे हैं उनको अपने मास्क पहनकर रखने जरूरी है। साथ में
ये जरूरी है कि वो अपने हाथों को भी सुरक्षित रखें, तो उसमें ग्लव्स भी पहनने जरूरी हैं। ये एहतियात करना फार्म के जो वर्कर्स हैं उनकी बहुत जरूरी है, ताकि इस बीमारी से पक्षियों को भी एक प्रकार से संक्रमित होने से बचा सके और बिल्कुल साथ में खुद भी अपनी बीमारी से संक्रमण का जो खतरा उनको बना हुआ उससे वो बच सके। तो बिल्कुल मुख्य बात ये है कि उनकी पालतू को इस बीमारी में मेन है कि हमें हाइजीन, बायो सिक्योरिटी, जैव सुरक्षा के उपायों पे बहुत अधिक ध्यान देना है, और साथ में इस बीमारी के जो बताए गए उपाय हैं उनको सुदृढ़ रूप से अपनाना है, जी और समय समय पर उनको और भी अधिक गति से तेज करना है। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से कोरोना में हम पूरा सैनिटाइजेशन का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरीके से आपने बर्ड फ्लू में भी अपना पूरा ख्याल रखना है, अपने हाथ पांव को अच्छी तरीके से धो के रखना है। जब आप मुर्गी बाड़े में काम के लिए जा रहे हैं तो आपने अपने मास्क को और ग्लव्स को हमेशा पहन के रखना है। खुद का भी बचाव कीजिए और साथ ही जो हमारी मुर्गियाँ हैं उनका भी बचाव कीजिए। चलते चलते डॉक्टर यादव, एक प्रश्न आपसे मेरा ये रहेगा, क्या मुर्गी मांस और अंडे को ठीक से पकाने के बाद भी क्या ये इंसानों में बर्ड फ्लू फैल सकता है? और मुर्गी मांस अंडा ठीक से पक गया है ये किस तरीके से पता किया जाएगा? संक्षेप में मैं चाहूंगी आप इसका उत्तर दें। ये आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल किया है, क्योंकि मुर्गी पालक या आम आदमी इस बात से बड़ा भयभीत है कि जी ऐसे में हम मुर्गी के अंडे खाएं या न खाएं। तो जी मेरा इसमें सुझाव ये है कि ये वायरस मुर्गी के मांस या अंडे को अच्छी तरह उबाल लेते हैं तो पूरी तरह नष्ट हो जाता है, और अपने देश में तो पकाने का तरीका भी बहुत अच्छा है जिसमें हम बहुत हाई टेम्परेचर पे कुकिंग करते हैं। जी तो मेरा ये कहने का है, अगर मुर्गी का मांस पूरी तरह पका हुआ है, अच्छी तरह पका हुआ, अंडा भी अच्छी तरह पका हुआ है, जिसके अंदर हम 70 डिग्री जो तापमान है, सेंटीग्रेड तापमान है, उस पर 20 से 30 मिनट तक अगर मुर्गी मांस या अंडे को हम रखते हैं उस टेम्परेचर पे, तो ये पूरी तरह नष्ट हो जाता है। तो इसमें ये पाया गया है कि किसी प्रकार से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अंडा और मुर्गा पूरी तरह पका करके खाया गया है तो ऐसा कोई भी अभी तक कोई केस नहीं आया है जब पके हुए और अंडे या मुर्गी मांस से इंसानों में ये बीमारी फैलाए, ऐसा अभी तक कोई केस नहीं आया। साथ में मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि दूसरा भाग आपका प्रश्न का था कि जी हम कैसे पहचाने कि मुर्गी का जो मांस है वो पूरी तरह पका हुआ है या अंडा पका हुआ है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि मुर्गी का जब मांस पक जाता है तो उसमें जो अंदर का भाग है मांस का वो पूरी तरह एक प्रकार से उसमें पिंक जो कलर है वो गायब हो जाता है। तो जी पिंक कलर गायब हो जाना, और हमें ये चाहिए कि हमें 70 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर हम रखेंगे 30 मिनट तक, तो ये जी बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपने पूछा कि अंडा का कैसे पता चलेगा, तो आपने जी देखा होगा कि अंडे के दो भाग हैं, सफेद और पीला। जी पीला को हम योक बोल देते हैं। जी जब आप अंडे को उबालते हैं तो जो पीला भाग है जी उसमें ये अपन एक प्रकार से सुनिश्चित करें कि पीला का जो भाग है वो पानी जैसा न रहे, चिपचिपा न रहे, वो एक ठीक है, प्रकार से सॉलिड जो है सॉलिड वो हो टाइप का जाए। गोल गोल के रूप में, बाल के रूप में दिखाई दे, तो इसका मतलब ये पूरी तरह पक पका गया, हुआ है और बिल्कुल इसके अंदर सुरक्षित है कि हम उसको खा सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर यादव, आप हमारे साथ जुड़े और इसके संबंध में आपने इतनी अहम जानकारियां जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और हमारे आज के कृषि साहित्य गतिविधि खंड में जिस पुस्तक पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है क्वीन ऑफ गोट जमुना पारी। आइए इस पुस्तक के बारे में तमाम जानकारियां हासिल करें। डॉक्टर दास, आज जिस किताब पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है क्वीन ऑफ गोट जमुना पारी। इस पुस्तक के बारे में आप, मैं चाहूंगी कि जानकारी दीजिए। पहले तो मैं चाहूंगी कि आप इस पुस्तक को दिखाइए, ये दिखने में कैसी है और इसके लेखक कौन है? ये जो किताब है क्वीन ऑफ गोट जमुना पारी, इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर एम के सिंह हैं, जो हमारे संस्थान में एक प्रधान वैज्ञानिक हैं। जी बिल्कुल। और और इस किताब को पीछे लिखने का उद्देश्य क्या है? किस तरह की जानकारियां इस किताब से जो हमारे बकरी पालक हैं वो प्रदान मतलब हासिल कर सकते हैं? मैम, जो ये किताब है ये एक नस्ल के ऊपर लिखी गई है। जैसे
हम यदि बकरी की बात करें तो 34 बकरी की नस्लें पाई जाती हैं। इन 34 नस्लों में जो सबसे फेमस जो ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है वो जमुनापारी है। जी जमुनापारी आपका बॉडी आकार यानी बॉडी साइज में सबसे ज़्यादा होगी, मिल्क प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा होगी। और यदि इसका आप रूप रंग देखें तो बहुत ही सुंदर बकरी है, सफ़ेद कलर, वाइट कलर की होती है पूरी तरह से। और इसका इस फोटो में नहीं नज़र आएगा, जी इसका जो फेस होता है एक पैरेट की तरह, पैरेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। जी और इसकी जो खास बातें हैं, ये बुक एक एरिया स्पेसिफिक है। ये जो हमारी ब्रीड है उत्तर प्रदेश का इटावा, एक जिला है इटावा, सुना होगा शायद। जी इटावा में भी चक्कर नगर एक तहसील है, चक्कर नगर और आसपास के जो गांव वहां बहुत ही छोटे से क्षेत्र में मिलती है। और सभी बकरी की नस्ल में इसकी कीमत सबसे ज्यादा है। और लगभग हमारे विश्व के 27 देशों ने इसका प्रयोग किया है अपने देश की नस्ल सुधार के लिए। अच्छा बिल्कुल। तो साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि और किस तरह की खासियत जो है वो जमुनापारी बकरी के अंदर जो है वो पाई जाती है, क्यों इसे ज्यादा लोग जो है वो खरीदना पसंद करते हैं? हाँ, बकरी एक तो बॉडी वेट में सबसे ज़्यादा है, देखने में सुंदर है, और ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में इसको काफ़ी प्रयोग किया गया है और इसका इम्पोर्ट काफ़ी हो रहा है। एक्चुअली ये दूसरे देशों में काफ़ी ले जाई जा रही है बहुत ही हाई कीमत पर। जी आपको विश्वास नहीं होगा कि इसकी बकरी, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं आप, 5 लीटर पर डे दूध देने वाली बकरी अवेलेबल है। जी इसका जो जो ब्रीडिंग ट्रैक्ट है इस इटावा जिला, और बकरों की कीमत तो फीमेल से और ज़्यादा होती है। 2-2 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए में बकरे मिलते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी के मेल होते हैं, ब्रीडिंग के लिए काम आते हैं। तो इसलिए इसको क्वीन कहा गया है। सबसे ज़्यादा कीमत है, सबसे ज़्यादा दूध है इसके नीचे, देखने में सुंदर है। और जो ईद जो त्यौहार होता है हमारे मुस्लिम भाइयों का, जी उस पर भी इसकी सुंदरता होने के कारण वो मांगे पैसे मिलते हैं, लोग सेक्रीफाइस करते हैं उस टाइम पर। इस तरह से कोई किसान जमुनापारी का पालन करना चाहता है तो इसलिए उसको स्पेसिफिक उस ब्रीड के लिए क्या क्या हम कैसे करें, एक छोटी सी बुलेटिन टाइप हमने ये बनाई है जो मैंने दिखाया था। तो इसे पढ़ने के बाद सफलतापूर्वक जमुनापारी बकरी का पालन कर सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है। जी तो काफ़ी खासियत जो है वो इस जमुनापारी बकरी में है, इसीलिए इसे क्वीन ऑफ गोट जो है वो कहा गया है। अब आपसे जी डॉक्टर दास मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि इसका टाइटल जो है वो अंग्रेज़ी में है, तो क्या किताब भी अंग्रेज़ी भाषा में लिखी गई है? और अगर अंग्रेज़ी में ही है तो क्या इसका हिंदी जो इसका वर्जन है, क्या उसको भी आगे लेकर आने का कोई प्लान है? नहीं, वर्तमान में हमारे पास दोनों वर्जन हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और दोनों ये अवेलेबल हैं। यदि कोई किसान भाई चाहता है तो हमारे निदेशक महोदय को प्रार्थना पत्र देकर इसको हम उपलब्ध करा सकते हैं। जी मूल्य भी मैं आपसे चलते चलते जानना चाहूंगी, इस किताब का मूल्य कितना है? 100 रुपये, मात्र 100 रुपये एक किताब। बिल्कुल, तो काफ़ी जो कम है जो इसका मूल्य है, और आसानी से जो हमारे किसान भाई हैं वो इसे खरीद सकते हैं। अगर आप बकरी पालन के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, या फिर अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं, अगर जमुनापारी को आप इसका चयन करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर दास ने काफ़ी खूबियाँ जो हैं वो इस नस्ल के बारे में बताई हैं। तो डॉक्टर दास आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अहम जानकारियाँ आपने हमारे किसानों तक पहुँचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और कृषि शिक्षा सेगमेंट में क्या कुछ खास जानकारियां आज हम आपको देने वाले हैं, उन जानकारियों पर डालते हैं एक नजर।
डॉक्टर चतुर्वेदी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारा जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है इसके बारे में, क्योंकि अगर देखा जाए लगातार मांग पहले चली आ रही थी कि एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन जब कृषि की हम बात करते हैं कई तरह की अड़चनें भी थी, लेकिन अब क्योंकि झांसी जैसे अगर ज़िले की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की हम बात करते हैं, तो ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ना सिर्फ दूसरी जगह से जो छात्र हैं वो आवेदन भी करते हैं, लेकिन सबसे खास क्या है हमारे इस कृषि विश्वविद्यालय में? जैसा कि अभी आपने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय अगर एक केंद्र सरकार स्थापित करती है तो उसका एक अपना महत्व होता है, क्योंकि उसमें हम जो भाषाएं हैं और जो हमारे प्रदेशों की जो बाउंड्रीज हैं उनसे हम बाहर आ जाते हैं। जी। इसी क्रम में भारत सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की अपना संसद का जो अधिनियम है उसके अनुसार वर्ष 2014 में झांसी मुख्यालय के रूप में की गई। और इसके जो विश्वविद्यालय है इसके हमारे कोई जो मूलभूत जो क्षेत्र थे उसमें बुंदेलखंड क्षेत्र को कृषि प्रसार और तकनीक की दृष्टि से माना गया, लेकिन कृषि में के क्षेत्र में जो शिक्षा है, अनुसंधान है और जो संबंधित कार्यक्रम है उसके लिए विश्वविद्यालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो संपूर्ण भारत को माना गया। आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि हाल ही में और ज्यादा विस्तार जो है वो किया जा रहा है इस कृषि विश्वविद्यालय का, और दो कृषि महाविद्यालय यहाँ पर हैं, लेकिन खासतौर से देखा जाए अगर पाठ्यक्रमों की हम बात करते हैं, कुल कितने पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं? अभी अभी जो जहाँ तक संबंध है विश्वविद्यालय का, तो विश्वविद्यालय में हम लोगों ने यूजी के जो स्नातक स्तर की बात करते हैं जी, तो उस पर एक तो कृषि है, दूसरा हमारा बागवानी है, तीसरा वानिकी है जी। अभी तीन में हम जो तीन ये मुख्य हमारी जो धाराएं हैं कृषि एवं और संलग्न विषयों की, इन तीन धाराओं में स्नातक की उपाधि दे रहे हैं जी। और इसके साथ ही हमने अभी पांच विषयों में कृषि में जो कृषि से संबंधित जो विषय है जी, उनमें जो पांच विषय है प्रमुख रूप से हमारे, उनके हमने उनमें अभी स्नातकोत्तर की उपाधि देना शुरू किया है। और साथ में ही तीन विषय हमारे बारीकी और जो औद्योगिकी है उद्यानिकी है उनमें भी हमने स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है जी। बिल्कुल। तो इसमें मैं आपको बताना तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो किसान भाई है या हमारे जो छात्र हैं, छात्र बंधु हैं, छात्राएं हैं, तमाम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे विश्वविद्यालय में शिक्षा लें। तो ये हमारा जो विश्वविद्यालय है ये राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है, और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है जो अभी आपने कही शुरू में पूछा कि यहाँ 17 प्रदेशों के जो विद्यार्थी हैं वो अध्ययन करने के लिए आते हैं। ये विश्वविद्यालय कोई केवल उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के लिए या बुंदेलखंड के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। और यहाँ 17 प्रदेशों से विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएं हैं वो अध्ययनरत हैं। साथ में भी हमारे 14 प्रदेशों से जो हमारी फैकल्टी है, ज्यादातर जो फैकल्टी हम उसी प्रदेश की होती है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है यहाँ जो फैकल्टी है वो 14 प्रदेशों से जी। तो ये विशेष बात है कि हर भाषा का यहाँ जानकार लोग हैं, तो जो छात्र छात्राएं दूर सुदूर स्थानों से सुदूर प्रदेशों से जो पढ़ने आते हैं यहाँ उनको भाषा से संबंधित भी कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए विश्वविद्यालय में जो फैकल्टी है वो भी अलग अलग तरह से अलग अलग प्रदेशों से रखी गई है। जो उच्च कोटि के हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो हैं, और इसके लिए हमारे जो विश्वविद्यालय के जो माननीय कुलपति हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज्यादा विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं दूसरे प्रदेशों के होंगे या जो हमारी जो फैकल्टी है वो दूसरे प्रदेशों से जितने ज्यादा होंगे उतना ही विश्वविद्यालय का जो राष्ट्रीय स्वरूप है वो हम बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर चतुर्वेदी, हम मान सकते हैं कृषि क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं, और जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जो सीमाएं हैं वो सिर्फ जो हमारे राज्य हैं या जो क्षेत्रीय सीमाएं हैं वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे जो राज्य हैं वहाँ से भी जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, और उसके लिए जो हम कह सकते हैं प्रोफेसर जो हैं वो भी दूसरे राज्यों से हैं यहाँ पर। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रुचि किस क्षेत्र में नज़र आती है हमारे छात्र छात्राओं की? जैसा कि सारे छात्र छात्राएं भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि से ही बात करते हैं जी। तो जहाँ जो मेरिट की बात है, जो छात्र मेरिट से आते हैं वो सबसे पहले कृषि में जाते हैं, उसके बाद उद्यानिकी की बात करते हैं, उसके बाद वानिकी की बात करते हैं जी। तो स्वाभाविक रूप से जो कृषि है, क्योंकि कृषि रीढ़ है, और साथ में जो मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे विषय नहीं है, उद्यानिकी है, वानिकी है, मत्स्यी है, पशुपालन है, इनका भी सबका एक अपना महत्व है और इन सभी विषयों में यहाँ पढ़ाई होती है, पर फिर भी जो छात्रों की जो रुचि है वो कृषि के बारे में थोड़ा सा ज्यादा होती है। जी, जो मेरिट है, मेरिट के हिसाब से सबसे पहले बच्चे जो आते हैं वो कृषि स्ट्रीम में आते हैं।
जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि लगातार जो छात्र छात्राएं हैं उनकी रुचि जिस क्षेत्र में होती है कोशिश वो करते हैं कि वो जो पाठ्यक्रम है उनको मिल सके, और उसके लिए लगातार हम मान सकते हैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि उचित समय पर जो सही शिक्षा है उसको हम जो छात्र छात्राएँ हैं उन तक पहुँचा सकें, और उसके लिए कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा भी, और बेहतर ढंग से जो कृषि प्रसार है वो किया जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर चतुर्वेदी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान भाइयों बहनों, कृषि से संबंधित आपने काफी जानकारियां हासिल की हैं। अब समय हो चला है आपके मनोरंजन का, तो दिखाते हैं आपको क्या है हमारे आज के मनोरंजन भाग में आपके लिए। हमारे आज के कृषि परिक्रमा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।